विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी सत्र के दौरान। इसके साथ ही विपक्ष आज फिर से हंगामा कर सकता है। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है और आज एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हो गई और कल ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बैनर लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे थे सदन के अंदर और आज एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हंगामा हो सकता है सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों की ओर से। सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष के विधायकों ने कल ही कर ली थी। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आज की कार्यवाही को लेकर? देखिए, आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सदन में कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, पोस्टर दिखाए, कटआउट लेकर गए थे, तो विरोध किया गया, तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं सदन में जब चर्चा शुरू होगी तो विरोध करेंगे और सदन हंगामेदार होगा। लगातार सपा की तरफ से मांग की जा रही है कि सदन का टाइम बढ़ाया जाए और इस पे चर्चा हो सके, लेकिन जो अभिभाषण है उस चर्चा के दौरान जो दावे किए गए हैं उन सारे मुद्दों को लेकर जो मूड देखने को मिल रहा समाजवादी पार्टी का वो विरोध का ही मूड दिख रहा है। यानी कि किसी भी कीमत पर जो योजनाएं हैं, जो खाका दिया गया, जो आंकड़े दिए गए हैं, जो विकास के फार्मूले बताए गए हैं, जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात की गई, इन सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में सरकार को घेरेंगे। साथ ही तमाम ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो विकास से जुड़े हुए हैं, जिन पर सरकार ने काम नहीं किया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज भी सदन हंगामेदार होगा और सरकार को समाजवादी पार्टी के विधायकों के कड़े विरोध का सामना करना होगा। जी, मुद्दे क्या कुछ हो सकते हैं नरेंद्र? कल भी हमने देखा बैनर लेकर पहुंचे थे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कई मुद्दों को लेकर घेरा विपक्ष के विधायकों ने। आज भी क्या मुद्दे उठा सकते हैं विपक्ष के विधायक? निश्चित तौर पर सपा के विधायक आज भी बैनर लेकर पहुंचेंगे सदन में और मुद्दे उनके वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे हैं। साथ ही वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर फेल है और जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है और माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है उसको समाजवादी पार्टी के विधायक गलत बता रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे और जो राज्यपाल का भाषण हुआ है उसकी जब चर्चा शुरू होगी तो उस चर्चा के दौरान भी समाजवादी पार्टी के लोग अपनी असहमति सरकार से जताएंगे। जो आंकड़े दिए गए हैं सरकार की तरफ से विकास के और जो दावे किए गए हैं, चाहे एयरपोर्ट के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, चाहे किसानों के डेवलपमेंट को लेकर के बातें की गई हैं, एक लंबा चौड़ा भाषण है राज्यपाल का और उसमें पूरे प्रदेश का पूरा समग्र खाका खींचा गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए और विरोधियों की बात की जाए तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है विपक्ष सहमत नहीं है, इसका विरोध करेगा। साथ ही जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो बातें की जाती है सरकार की तरफ से, उनको सिरे से समाजवादी पार्टी के विधायक खारिज करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी और इस बातचीत के लिए।